जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि पत्र लिखने की ट्रिक, चाहे आप लोग यहाँ पर 10th में हो या फिर 12th में, तो वीडियो को जरूरी पूरा देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को जो ट्रिक यहाँ पर बताने वाले हैं बिना याद किए और यहाँ पर बिना पढ़े हुए ट्रिक से बताने वाले हैं, चाहे आपको यहाँ पर पत्र का भी यहाँ पर पा भी नहीं पता, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि पत्र कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले पत्र समझ लेते हैं, देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पत्र आएगा पूछने को, यहाँ पर आएगा, लिखा होगा शहर की सफाई है तो अपने मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए 4 नंबर का, या फिर और कुछ हो सकता है, एक और होगा, अथवा करके आएगा अपने मित्र को अपने चचेरी बहन की विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र देते हुए एक यहाँ पर पत्र लिखना है। देखिए, थोड़ा ये समझ लो, देखिए जो आपके पत्र होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होंगे हमारे क्या होंगे औपचारिक औपचारिक पत्र, और दूसरे होंगे अनौपचारिक पत्र। क्या होंगे? अनौपचारिक पत्र। ये समझ लिए, समझ लो आपका पत्र सबसे अच्छा माना जाएगा। देखिए, जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं ये क्या होते हैं? विद्यालय से संबंधित होता है। जो औपचारिक पत्र होता है ये क्या होता है? विद्यालय से संबंधित होगा या फिर शिकायती पत्र होंगे, दो दो तरीके से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। आपने देखा होगा इस प्रकार से, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पेपर है, ये देखिए जो इस प्रकार से आ गया कि शहर की सफाई तो अपने यहाँ पर मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना, तो इसको हम बोलते हैं शिकायती पत्र। या पूछा गया कि आपको आकस्मिक अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, तो ये दोनों, एक आकस्मिक अवकाश है तो एक विद्यालय से संबंधित, मतलब एक आपके जो यहाँ पर शिकायती पत्र होते हैं विद्यालय से संबंधित, दो होते हैं ये आपके जो होते हैं औपचारिक पत्र में आते हैं, और अनौपचारिक पत्र में ये सगे संबंधियों से पत्र लिखे जाते हैं संबंधित। ये देखिए उस प्रकार से होते हैं, आपको ये अलग से लिखना होता है, इसकी ट्रिक अलग होती है अनौपचारिक की, और जो औपचारिक की होती है ये सबसे सिंपल सी होती है, मतलब एक आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ये अनौपचारिक पत्र है, लिखा है अपने यहाँ पर मित्र को अपने चचेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र देते हुए एक पत्र लिखना है। तो देखिए हमारा जो ये वाला पत्र है, नीचे वाला अपने मित्र वाला, तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा अनौपचारिक पत्र, और ये जो ऊपर वाला है शिकायती पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा औपचारिक पत्र है। समझ में आया? तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, और जैसे हमारे पास ये देखिए पत्र, यहाँ पर जैसे विद्यालय से संबंधित पत्र इस प्रकार से पूछा जा सकता है, छात्रवृत्ति हेतु पत्र या आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, जिसमें बुखार या कोई भी दुर्घटना हो गई, बहन की शादी हेतु पत्र लिखना आदि, इस प्रकार से जो पत्र होते हैं विद्यालय से संबंधित पत्र होते हैं और ये औपचारिक पत्र होते हैं, और शिकायती पत्र इस प्रकार से होते हैं, ये दोनों में औपचारिक पत्र में ही आते हैं। जैसे पूछा गया शहर की सफाई है तो मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना, या अत्यधिक बिजली की कटौती है तो यहाँ पर पत्र लिखना, या इस प्रकार से देखिए स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री के नाम पत्र लिखना, तो ये सभी हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं, और ये सभी जो होंगे हमारे यही ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे लिखना, नगर में सफाई बनाए रखने हेतु पत्र, या फिर बिजली की अत्यधिक कटौती, या फिर यहाँ पर आरक्षण पर अपने विचार रखने हेतु संपादक के नाम पत्र, ये तो ये सभी हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, तो यहाँ पर लाइन खींचना है, और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये लाइन खींचना है बहुत ज़रूरी होता है, तभी समझ में आएगा। तो अब कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले ध्यान से वीडियो को देखना, और जैसे आप लोग स्कूल के लिए नहीं लिख रहे हैं ऐसे ही लिख रहे हैं, तो आपको जब पेपर वो जो होगा जो सादा पेज होना चाहिए, A4 जो फोटो कॉपी का पेपर होता है उस पर आपको लिखना है, चाहे कोई भी यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी बोर्ड एग्जाम में होंगे तो ऐसे आपको लाइन खींचना है। उसके बाद में टॉप में आपको क्या लिखना है, देखिए ये समझ लो, तीन चीज़ें समझ लो, आसानी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या आता है, टॉप होता है, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से होता है, उसके बाद में यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, और ये होगा, और इस प्रकार से यही प्रोसेस होता है, तो यही समझाने वाले हैं। तो कैसे लिखना, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, ये जो लाइन खींची यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखना है सेवा में, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है कामा। अब देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं, यहाँ पर देखिए इस पर बताने वाले हैं कि यहाँ पर ये देखिए शहर की सफाई है तो मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखकर बताने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो शहर की सफाई है तो अपने यहाँ पर मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन खींची यहाँ पर लिखना है सेवा में। अब देखिए यहाँ पर जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न में खुद लिखा होगा कि किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, जैसे शहर की सफाई है तो अपने मुख्य नगर अधिकारी को पत्र, तो यहाँ पर देखिए इसमें खुद होगा मेन चीज़ होगी, तो मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी के लाइन के नीचे यहां पर एक या दो पेन का गैप बनाकर आपको लिखना है मुख्य
क्या लिखना है? मुख्य नगर अधिकारी। क्या लिखना है आपको? अधिकारी, क्योंकि जिसको पत्र लिखना वही का नाम यहाँ पर डालना होता है ऊपर, ठीक है? तो सेवा में, उसके बाद में मुख्य मुख्य नगर अधिकारी, उसके बाद में आता है इसी के सेम नीचे बराबर में आपको लिखना है शहर का नाम। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखना है नगर निगम, क्या लिखना है? नगर निगम बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से। अब ये आपको क्या करना, पहले देखिए मुख्य नगर अधिकारी उसमें लिखा होगा जो होगा, फिर अपने शहर का नाम डाल देना है नगर निगम बेनीगंज हरदोई, इतना समझ में आया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, विषय डालना है। अब ये देखिए विषय कहाँ मिलेगा, विषय भी आपके प्रश्न में ही मिल जाएगा कि किस पर आपको लिखना है। तो ये देखिए लिखा शहर की सफाई है, तो मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना, तो शहर की सफाई है तो आपको पत्र लिखना है, तो आपको विषय भी मिल गया। तो यहाँ पर जो सेवा में लिखा था ये जो लाइन है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना है? विषय। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो इसमें लिखना आपको काले पेन से शहर की सफाई है तो पत्र, तो ये आपका हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद में देखिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। अब आपको लिखना जो सेवा में लिखा था, विषय लिखा था, एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर आपको लिखना है महोदय जी। क्या लिखना है आपको? महोदय जी, ठीक है? उसके बाद में लगाना काम्मा। अब जो काम्मा लगाना, अब जो मुख्य नगर अधिकारी लिखा था या नगर निगम बेनीगंज अभी, और आप लोगों को जो बताऊंगा स्कूल से संबंधित से आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम लिखा था सेम उसी के सामने, और ये यहाँ पर इसी के एक यहाँ पर नीचे वाली लाइन में आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ से आपको सबसे पहले लिखना है सविनय, इतना सभी में लिखा जाता है सविनय निवेदन। क्या लिखना है? सविनय निवेदन यह है कि, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें अपना कारण बताना है, वो अभी आप लोगों को वीडियो के अभी बताऊंगा, ठीक है? इसमें आपको दो या तीन लाइन में अपना कारण लिखना है, ठीक है? उसके बाद में अब जो सविनय निवेदन लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है अतः, इसमें अपना कारण होगा और इसमें आपको अपना निवारण बता देना है, ठीक है? इसमें लिखा जाता है अतः आपसे अनुरोध है, या विनम्र निवेदन है आपसे विनम्र, अभी आगे बताऊंगा, निवेदन है या अनुरोध है कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में अपना कारण बताना होगा, उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में अपना यहाँ पर निवारण बताना होगा, उसके बाद में यहाँ पर लिखना है जो लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर समाप्त हो जाए, तो यहाँ पर आपको लिखना है धन्यवाद। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है एक लाइन छोड़कर ये जो लाइन खींची यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक। क्या लिखना है? दिनांक। अब दिनांक में कुछ भी एक्स वाई जेड डाल देना। उसके बाद में अब जो ये लाइन खींची सेम इसी के सामने यहाँ पर आपको लिखना है आपका आपका भवदीय। अब देखिए बॉय के लिए भवदी और जैसे गर्ल्स हों तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो भवदीया, ठीक है? एक ही चीज़ डालना है। और जब बोर्ड एग्जाम के लिए लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि विद्यालय से संबंधित प्रार्थना पत्र आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पर आपको क ख, यहाँ पर क ख गा डाल देना, यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है। स्थान में, यहाँ पर स्थान में भी आपको क, यहाँ पर उसके बाद में ख और गा लिख देना, यहाँ पर भी अपना नाम नहीं डालना। जैसे यहाँ पर स्कूल के लिए लिख रहे हैं तब भले ही, या फिर कोई के लिए लिख रहे हैं तब अपना नाम डाल सकते हैं, वरना आपको नाम नहीं डालना है। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको विस्तार पूर्वक कैसे लिखना है ये भी बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर विद्यालय से संबंधित होगा तो उसको कैसे लिखना, मैंने बताया सेवा में कामा लगाना, फिर यहाँ पर जो भी जिसके लिए लिख रहे हों पत्र, जैसे यहाँ पर इसमें था कि मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है तो इसमें खुद बताता है किसके लिए यहाँ पर पत्र लिखना है, तो मुख्य नगर अधिकारी, उसके बाद में नगर निगम निगम झरदुई। ऐसे करने के बाद विषय आपको जो लिखा था सेवा में इसी के नीचे यहाँ पर लिखना है एक लाइन छोड़कर, यहाँ से विषय शहर की सफाई है तो पत्र, उसके बाद में महोदय जी यहाँ पर फिर से कामा लगाना है। अब जो मुख्य नगर अधिकारी लिखा था सेम उसी के नीचे यहाँ पर इस पैराग्राफ में अपना कारण बताना है, कैसे? जैसे ये शहर की सफाई हेतु है तो सविनय निवेदन यह है कि हमारे बेनीगंज नगर की नालियों तथा सड़क के किनारे अत्यधिक गंदगी होने के कारण मच्छरों तथा विषाणुओं का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे शहर की यहाँ पर में अनेक बीमारियाँ होने की संभावना है।
अब देखिए इसमें अपना कारण बताना कि क्या कारण है। अब देखिए जैसे बेनीगंज शहर हमारा है, आपका जो शहर हो उन्नाव हो या बलिया हो कोई भी हो सकता है, अपना जो भी शहर हो ऐसे डाल देना है, बाकी सेम ऐसे ही करना है। अपना इसमें कारण बताना है कम से कम शब्दों में, और जिससे और सटीक होना चाहिए, उसको भी समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में जब भी लिखोगे, सबने निवेदन लिखा था मुख्य नगर अधिकारी, सेम यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। और ये आपको जब लिखोगे इसमें आपको अपना इसमें इसमें कारण बताना होता है और इसमें निवारण बताना होता है। तो इसमें आपको लिखना, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने नगर निगम कर्मचारी से कहकर यहाँ पर हमारे नगर की सफाई कराने की कृपा करें, जिससे अनेक बीमारियां रुक सकती हैं, आपकी महान कृपा होगी। अब जो अता लिखा था, सबने निवेदन लिखा था, सेम उसी के नीचे यहाँ पर आखिरी वाले लाइन में लिख देना धन्यवाद। अब एक लाइन छोड़कर यहाँ दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 22/2/2024 डाल सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में चलेगा। उसके बाद में आपको लिखना है ये इस साइड में भवदिया, आपका भवदिया, या यहाँ पर भवदी या भवदिया, कुछ भी गर्ल्स हो तो भवदिया और बॉय हो तो भवदी। उसके बाद में क ख ग बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है। स्थान, रोल नंबर आप लोग अपना डाल सकते हैं, चलेगा, रोल नंबर डाल सकते हैं, जो भी हो वो चलेगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, इससे शिकायती पत्र कोई भी हो सेम ऐसे लिखना है। जैसे बिजली की यहाँ पर अत्यधिक कटौती है तो यहाँ पर बिजली अधिकारी का नाम लिखना, बिजली अधिकारी महोदय, फिर जो भी हो बिजली अधिकारी यहाँ पर नगर बेनीगंज या हरदोई। उसके बाद में विषय होगा बिजली अधिकारी यहाँ पर अत्यधिक कटाई है, यहाँ पर बिजली की कटौती हेतु पत्र। उसके बाद में महोदय की सबने निवेदन यह है कि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिजली की कटौती होती है, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ होती है, ये बताना है। और इसमें लिखना आता आपसे ये निवेदन है कि इसकी जल्द से जल्द ही समाधान करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, तो ऐसे ही वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर समझते हैं कि जैसे दूसरा आ जाए तो उसको कैसे लिखना, विद्यालय से संबंधित, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा पूछा गया विद्यालय से संबंधित पत्र, अब देखिए इसमें भी बहुत सिंपल सा होता है, इसमें भी सेवा में लगाना है। अब जैसे पूछा गया कि आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति या फीस माफ़ी जिसको हम बोलते हैं, या छात्रवृत्ति बोलते हैं कि हेतु, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या आकस्मिक अवकाश हेतु तो प्रार्थना पत्र लिखना है, तो क्या करना, सेवा में कामा लगाना। प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपको लिखना श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जैसे यहाँ पर मैम हो तो मैम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसी के सेम नीचे यहाँ पर आपको डालना है अपने स्कूल का नाम, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, और ये जो एड्रेस होगा बड़ा वाला ये नीचे होना चाहिए, ठीक है, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वाली लाइन में सेवा में लिखा था, सेम इसी के नीचे लिखना विषय, अब विषय कौन था, छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में लिखना महोदय कामा लगाना। अब जो श्रीमान प्रधानाचार्य लिखा था, अपने स्कूल का नाम लिखा था, सेम उसी के नीचे यहाँ से स्टार्ट करना, और ये वाली महोदय के नीचे वाली लाइन से लिखना है, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र या 12 का छात्र हूँ, मेरे पिताजी आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, वे विद्यालय में शुल्क लेने तथा अन्य खर्चों का भार उठा पाने में असमर्थ है, मैं आपके यहाँ पर अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूं, तथा खेल कूद व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने अनेक पद जीते हैं। इतना आपको इसमें भी सेम वही होता है, अपना इसमें कारण बताना होगा, जैसे आकस्मिक अवकाश या कोई चोट लग गई तो कैसे लिखना है। जैसे सबने निवेदन यह है कि मैं यहाँ पर स्कूल से जाते वक्त यहाँ पर एक स्कूटी से टक्कर लग गई, जिससे हमारे सर में चोट आ गई है, जिससे विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद में इस प्रकार से इस पैराग्राफ में लिख दोगे, और दूसरे पैराग्राफ में लिखना आता आपसे यह अनुरोध है कि मुझे यहाँ पर विद्यालय में 2 दिन की यहाँ पर छुट्टी देने की कृपा करें, जो भी डेट हो यहाँ पर डेट लिख देना। जैसे ये छात्रवृत्ति के लिए तो लिखना अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय में छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद लिखना, दिनांक जो भी हो डाल देना, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य में डाला जाता है। जैसे यहाँ पर गर्ल्स हो तो यहाँ पर शिष्या भी कर सकते हैं। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो अपना नाम नहीं डालना, XYZ कर देना है, बस रोल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ऐसे ही विद्यालय से संबंधित लिखा जाता है, शिकायती पत्र मैंने बता दिया, तो इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। मेन चीज़ यही होती, यही समझ लिए, ये तो सभी लोग लिख लेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।